स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। तो इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास टीचर फिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए जरा आज के हमारे जो वर्कशीट, इसका टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। पहले तो An adjective is a word which is used to describe a noun or a pronoun. तो adjective क्या होता है? एक word होता है जो कि किसको describe करता है? Noun को या pronoun को. Adjectives have three degrees to express their intensity. तो adjective की हम three degrees पढ़ने वाले हैं, जो कि three degrees क्या बताती हैं? Intensity को बताती हैं. The three degrees of adjective are positive, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो यहाँ हम एडजेक्टिव की थ्री डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन सी डिग्रीज हैं? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। इट जस्ट टेल अस द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन, इट शोज नो कंपेरिजन। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है, ये हमें सिर्फ किसके बारे में बताती है? किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की क्वालिटी के होने के बारे में बताती है। ये किसी में कंपैरिजन शो नहीं करती है। जैसे कि सरला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सरला कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। तो हमें उसकी क्वालिटी बताई गई है सरला की। आई हैव ए स्मॉल कैट, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कैट कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी है उसके अंदर, कि कैट कैसी है? स्मॉल है। तो यहाँ पर हमारा दो हमें एग्जाम्पल देखने को मिले हैं पॉजिटिव डिग्री के। ऐसे ही हम देखेंगे अब कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है। कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। इन कंपेरेटिव डिग्री ओनली टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ दो ही चीजों की तुलना की जाती है, दो ही चीजों को कंपेयर किया जाता है। We use word like than and to after comparative adjectives in a sentence. और हम जो comparative adjective use करेंगे उसके just बाद क्या लगाते हैं? Than या to का use करेंगे। He is taller than his brother. तो वह अपने भाई से ज्यादा लंबा है। तो हमने यहाँ क्या देखा? Than का use हो रहा है और हमने यहाँ पर comparative degree का use किया। सुमन इज जूनियर टू मीनू। अब यहाँ देखिए मीनू और सुमन की बात हो रही है, दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ हमने उसके बाद क्या यूज किया है? टू का भी यूज किया है। तो जो सुमन जो है वो मीनू से क्या है? जूनियर है। दो के बीच में कंपैरिजन हुआ यहाँ पर। इसी तरह से अब देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं। इट एक्सप्रेसेस हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ए थिंग इन कंपैरिजन टू अदर इन ए ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, माई हाउस इज द बिगेस्ट इन आर लोकेलिटी, कि जो मेरा घर है वो हमारी लोकेलिटी में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा किस चीज को शो करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को शो करने के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, भानु इज द बेस्ट सिंगर इन आर स्कूल। तो भानु जो है वो पूरे स्कूल में, हमारे पूरे स्कूल में क्या है? सबसे अच्छी सिंगर है। तो यहाँ बेस्ट का यूज किया है हमने। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मर, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल देन मोस्ट कंफर्टेबल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हम इन तीनों डिग्रीज को यूज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमें करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिल करनी है। आई हैव ए डैश पेंसिल इन माई पर्स,
तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, स्मॉल ही फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, तो स्मॉल ही फिल करेंगे। माय बैग इज डैश देन योर्स, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, दो चीजों की तुलना हो रही है तो हैवियर, क्या करेंगे, हैवियर यूज करेंगे। ठीक है बेटा, हैवियर। अब थर्ड नंबर पर देखिए, सचिन इज द डैश प्लेयर इन आर टीम, तो सबसे ज्यादा अच्छे की बात हो रही तो हम क्या क्या फील करेंगे, बेस्ट, क्या फील करेंगे, बेस्ट। अब फोर्थ नंबर देखिए, माई ग्रैंड फादर इज द टोलेस्ट मेंबर इन आर फैमिली, तो टोलेस्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, टोलेस्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, रशिया इज लार्जर देन फ्रांस, क्या फील करेंगे, लार्जर, क्योंकि दो की बात हो रही है, तुलना हो रही है तो लार्जर। उसके बाद सिक्स देखिए, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, सिर्फ एक ही गर्ल की बात हो रही है तो यहाँ फील क्या करेंगे हम, इंटेलिजेंट ही फील करेंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।